नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. बिफोर वी विल डू दैट, कुछ एक रूल्स जो हमें पता होने चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कि इफ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दिस इज द अपर्चर एक्स पी टू वाई पी वन वाई. एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इट विल क्रॉस थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. इसका रिवर्स भी हम देख लेते हैं कि इफ ए रे ऑफ लाइट क्रॉस थ्रू फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इसका बिल्कुल रिवर्स. मान लो कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है, तो यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड इज कि व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल पास अनडेविएटेड, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव कर जाएगी. तो अब इस चीज से रिलेटेड हम कुछ एक इमेज फॉर्मेशन करेंगे जो हम एनिमेशंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस कंसीडर ए कॉन्वेक्स लेंस. से दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एक्सिस F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1 बी द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड डबल ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेट ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. हियर फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1. नाउ कंसीडर हियर F2 इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस and 2F1 is the double of it. Let three rays, green, red and blue, pass from the object. Green rays is parallel to principal focus, so after refraction it will pass through the focus of the second principal focus. The red ray cross through the optical center, so it pass undeviated. And third blue ray pass through the focus, so after reflection it will become parallel to the principal focus. And three rays now meet at the twice of the focal length. The nature of image is real and inverted, and the size of image is
same as that of object. This is the first case. Now, say we move the object beyond the twice of focal length. Say the object is continuously moving away from the twice of the focal length. Now, again we consider the three rays. Say, first we fix the position of object beyond the twice of focal length. यानि के object जो है, वो हमने infinity पे रखा है. Say, three rays, first is parallel to the principal axis, green ray. Then after yellow ray, pass through the optical center. And the blue ray, pass through the first principal focus of the lens. जो green ray है, that will pass through the F2 after refraction because it is parallel to the principal axis. The yellow ray pass through the optical center, so it will cross undeviated from the center. And the blue ray become parallel to the principal axis. Now three rays meet in between the F2 and 2F2. The nature of image is real and inverted, and the size of image is smaller than object. Now, consider object is further move towards the twice of focal length, and we place the object now in the new position. Say, we adjust the object by moving it in between 2F1 and F1. यानि के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड डबल ऑफ इट. नाउ थ्री रेज अगेन, ग्रीन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द येलो रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर एंड द ब्लू रे इज पास थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. जो ग्रीन रे है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द F2. यानी के जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस में से क्रॉस होगी. द येलो रे विच इज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल क्रॉस अनडेविएटेड. और जो थर्ड रे है दैट इज द ब्लू रे जो फोकस से क्रॉस हो रही है दैट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड द twice of second focal length. The size of image is greater than size of object. As the image form is inverted, so it is a real image. Now we consider the new position of the object. Say object is kept in between optical center and first principal focus. Again we consider three rays over here. Say, first is green ray which is parallel to the
principal axis. So after refraction, it will pass through the second principal focus, and the second ray is passed through the optical center. So these ray will, after refraction, move away from each other. When we join these rays behind the lens, these will form the image towards the left hand side, that is the virtual image. कि जब हम इन रेज को बैकवर्ड मिलाएंगे तो ये जो रेज हैं F1 और 2F1 के बीच में हमें मिलती हुई लगेंगी, और जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी दैट इज ग्रेटर इन साइज देन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट फॉर्म द वर्चुअल इमेज. नाउ वी कंसीडर द another position of the object. Say now object is kept on the first principal focus. Again we consider the rays of light, green ray which is parallel to the principal axis, and the orange ray is parallel is crossed through the optical center. After refraction, green ray will pass through the second principal focus and the orange ray will pass undeviated. So after refraction we get parallel rays. So the final image will form at the infinity. These rays meet at infinity. So, in this case, we get the final image at infinity. Our next topic is formation of image by concave lens. जिस तरह से हमने कुछ एक rules जो थे convex lens के लिए study करे थे, उसी तरह से कुछ एक rule जो हैं, वो हम concave lens के लिए भी study करेंगे. First जो rule है कि if ray of light is parallel to principal axis. कि अगर कोई ray of light जो है वो principal axis के parallel जा रही है, तो ये मान लीजिए ये हमारे पास concave lens आ गया. एक रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल क्रॉस कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्रॉस कर रही है, तो जो कंकेव लेंस है वो इस रे को डाइवर्ज कर देगा. तो डाइवर्ज करने की जो डायरेक्शन होगी दैट विल इन दिस वे. और जब हम इस रे को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये रे जो है हमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ द लेंस पर मिलती हुई अपीयर्ड होगी. तो एफ पॉइंट पर हमारे पास यहां पर ये मिलना स्टार्ट करेगी, या यहां पर इमेज जो है वो फॉर्म होगी. सेकंड केस है कि इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. कि अगर रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है लेंस के, तो उस केस में ये हमारे पास कनकेव लेंस आ गया. मान लीजिए ओ बी द ऑप्टिकल सेंटर. अब एक रे ऑफ लाइट जो है वो यहां से क्रॉस कर रही है, तो ये अनडेविएटेड यानी के ये बेंड नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाएगी. तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट है दैट विल रिमेन अनडेविएटेड.
थर्ड जो केस है उसको हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि इफ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द फोकस, इफ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द फोकस ऑफ लेंस। तो मान लो कि ये हमारे पास कनकेव लेंस हमने कंसीडर कर लिया, ओ बी द ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए कि एफ जो है दैट इज द फोकस। अब यहां पर जो रे है दैट विल पास टूवर्ड्स द फोकस, कि यहां पर एक फोकस ये आ गया, दूसरा फोकस हमारे पास यहां पर ये आ गया। ये हम दूसरी साइड का फोकस लेंगे यहां पे, कि एक रे ऑफ लाइट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। ये रे ऑफ लाइट जो है वो हमने फोकस की तरफ भेजना स्टार्ट करी है। तो अब रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि यहां पर जो रे हम सेंड कर रहे हैं वो फोकस की तरफ जा रही है और वो यहां से रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। जो कनकेव लेंस है दैट ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज, जबकि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है एज वेल एज रियल इमेज को भी फॉर्म करता है। तो अब इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आप हमेशा ध्यान रखना कि यह हमेशा वर्चुअल इमेज को ही फॉर्म करेगा। मान लो फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कि ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, दिस इज द कनकेव लेंस। मान लो ये इसका फर्स्ट फोकस हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो हम ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हम कंसीडर कर लेते हैं ओ। अब जो रे ऑफ लाइट है कि ऑब्जेक्ट जो है मान लो ए बी जो है दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। अब एक रे ऑफ लाइट जो है ये इसकी अपर्चर हमने कंसीडर कर लिया ओ ऑप्टिकल सेंटर। एक रे ऑफ लाइट हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो मान लो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ हमने सेंड कर दी। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो रे है अकॉर्डिंग टू द रूल्स दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये इसको डाइवर्ज कर देगा और इसकी जो ये रे कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ हमने सेंड करी है वो अनडेविएटेड स्ट्रेट वे में आगे चली जाएगी, जो हमने अभी रूल पढ़े थे। इमेज तभी फॉर्म होती है जब दो रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे के साथ वो कट करें। तो अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ मिलाता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें ए डैश
बी डैश की फॉर्म में बनती हुई अपीयर्ड होगी। तो यहां पर देखो जो इमेज है दैट विल बी इरेक्ट, तो इरेक्ट है, तो जो इरेक्ट इमेज होती है दैट इज वर्चुअल इमेज। तो हम यहां पर यहां लिख देंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सेकंड, साइज जो है इमेज का ऑब्जेक्ट से छोटा है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कई बार क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेम द लेंस विच फॉर्म द लार्जर इमेज देन ऑब्जेक्ट, तो वो कॉन्वेक्स लेंस करेगा, कनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज को फॉर्म, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसको हम चेक करेंगे कि मान लो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और रेज, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हमने कंसीडर कर लिया, से ओ बी द ऑप्टिकल सेंटर। अब दो रेज ऑफ लाइट जो हैं दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो कनकेव लेंस है इन रेज को डाइवर्ज कर देगा, तो डाइवर्ज करेगा यानी कि इनको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेजेगा इस तरह से। तो जब हम इन रेज को पीछे की तरफ ज्वाइन करेंगे तो ये जो रेज हैं फोकस के ऊपर मिलना, फोकस के ऊपर मिलेंगी और यहां पर हमारे पास इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म होगी और ये लगभग लगभग एक पॉइंट के बराबर होगी।